बहुत बहुत बधाई हो मैडम जी। बधाई हो मैडम जी। धन्यवाद मैडम। हमको सुनकर बहुत खुशी हुआ कि आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगा था वो सब गलत साबित हुआ। ये हमारी तरफ से स्वागत है आपका। धन्यवाद सरिता जी। वेलकम। गिर के संभलने की जो शिक्षा तुमको दिए थे उसे हमेशा याद रखना। फिर जिंदगी में आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन तुम वीडियो बन जाओगी यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और हम भी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर कहेंगे कि यही है हमारी अफसर बेटियां। हम चाहते हैं कि कल के सूरज की सुबह की किरण के साथ हमारी बिटिया एक नए हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ना तू थकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना बीडियो साहिबा, ऐसे अंदर आने के लिए पूछ के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। खाए कि सबको पता है कि आज आप बेगुनाह साबित हो गई हैं। हमारी तरफ से भी बधाई आपको। अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तुम जितना आगे बढ़ना चाहती थी तुम बढ़ चुकी हो और अब हम तुम्हें जिंदगी में एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा कि ये तुम्हारी आखिरी जीत थी और हमारी आखिरी हार। हमको यहां किसी जरूरी काम के लिए बुलाया गया था तो बेहतर होगा कि हम उसके बारे में बात करें। वही बात तो करें और तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है कि तुम इंक्वायरी में तो जीत गई पर अपनी निजी जिंदगी में हार चुकी हो। तुम इस बात से तो इनकार नहीं करोगी ना कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहू के रूप में देखना चाहते हैं, पीडियो कृष्णा राज के रूप में नहीं। और अभी भी वो लोग भूले नहीं है कि बीडियो कृष्णा राज की वजह से उन्होंने अपनी प्यारी बहू सरगम को खो दिया। और अगर गलती से वो भूलना चाहेंगे भी ना तो हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। कृष्णा
कोशिश करके देख लो पिंकी, काहे कि हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर अपने पति को। जब तक वो हमारे साथ हैं, तब तक किसी का भी बदनीयती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने पति पर कि वो तुम पर जान छिड़कता है और हर हाल में सिर्फ तुम्हारा ही साथ देगा। उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दो कृष्णा, कहे कि हम बहुत जल्दी ना तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। तुम्हारे परिवार वालों के मन में तुम्हारे इतना जहर घोल देंगे कि तुम्हारी शक्ल देखना भी किसी को पसंद नहीं होगा। हमारे जैसा दुश्मन नहीं देखा होगा कृष्णा, जो कहकर वार करता है। हमको तबाह करने के लिए जो करना चाहती हो करो पिंकी, हम तुम्हारा एक गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाले। और हमको तुम्हारा और बबलू सर का शादी रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तुम अपना झूठ और फरेब का रास्ता पर आगे बढ़ो, हम अपना सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पर आगे बढ़ेंगे। वैसे तुम वो सुनी हो ना कि अंत में जीत सच्चाई का होता है। बता, सारा अरमान पे पानी फेर दिए लड़की। हम तो न्यू मार्केट जाके नया गाना का सीडी लेके आए थे, और जैसे ही कृष्णा हारेगी तो ऐसे 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 नाचेंगे। हमको तो लग रहा है हमारे पीछे पिंकी को कितना दुख लगा होगा। नहीं, अरे पिंकी, मम्मी पापा आप लोग जल्द से जल्द हमारा शादी का तारीख पक्का कराइए। अरे बेटा, कैसा बात कर रही हो बेटा, इतना जल्दी काहे मचा रही हो? अभी भी आप लोग पूछे कि का जल्दी है, बस हम उसकी निजी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, और वो हम तभी कर सकते हैं जब बबलू जी से हम शादी करें। हाँ पिड़की के पापा, पिड़की सही तो कह रही है, कल करेंगे भोले भोले, इसका कुंडली लेकर हम वहाँ चले जाएंगे और आप वहाँ फोन कर दीजिएगा, ठीक है ना पिड़की? ठीक ठीक है। कुंडली का क्या जरूरत है मम्मी? अरे? देखो, हम बबलू जी से शादी करके रहेंगे, चाहे कुंडली मिले या ना मिले। कैसा बात कर रही हो बेटा, काहे जरूरत नहीं है? हमारा पूरा खानदान में इगो शादी जो है ना बिना कुंडली के नहीं हुई है। और ये बबलू जी की कुंडली में न जाने कौन सा दोष है, और देखिए भरी जवानी में भी दूर हो गए। हाँ बिड़की, तुम्हें पापा सही कह रहे हैं। इतने कम उम्र में बताओ, उसकी बीबी उसको छोड़ के चली गई। अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो हमें उस घर में जाने का रास्ता कैसे मिलता। इसलिए आप लोग उसे कह रहे हैं कि कुंडली का झंझट छोड़िए। देखो बेटा, तुम्हारा बात मान के हम इस शादी के लिए तैयार हो गए कि नहीं, तो तुमको भी तो हमारा बात मान लेना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, आप लोग को जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी, बबलू का कुंडली। पर कन्या का कुंडली कहाँ है टुनटुन बाबू? वो पिंकी बिटिया के माता पिता उसका कुंडली लेके आते ही होंगे पंडित जी। अरे बबलू बेटा यहाँ आओ, ये तुम्हारे और पिंकी का कुंडली मिलाने आए हैं। माई, सब करने का क्या जरूरत है? अरे बबलू जी, जरूरत का है नहीं, यही तो परंपरा है भाई। प्रणाम। लीजिए, ये हमारा बेटिया का कुंडली।
हम इस कुंडली उंडली के परंपरा को नहीं मानते हैं। बबलू, तुम नहीं मानते तो ना सही, हमारे मन के तसल्ली के लिए ये कुंडली मिलाया जा सकता है ना। तुम सरगम का भी कुंडली मिलवाई थी ना, और इन्हीं पंडित जी से मिलवाई थी, फिर वो हमको काहे छोड़ के चली गई। चलता हूं टुनटुन बाबू, जाने की आज्ञा दीजिए। और पंडित जी रुकिए, तो कहां जा रहे हैं? रुक जाइए पंडित जी। हमारा कुंडली दीजिएगा। धन्यवाद। किया जाए, नए जमाने की नई फसल का मिजाज तो ऐसा ही है। भैया जी, जो भी हो, बिना कुंडली मिलाए हम अपना लड़की का शादी नहीं कर सकते। बबलू जी कुंडली उल्डी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा खानदान में जन्म मरण, शादी सगाई, ये सब ग्रह नक्षत्र देख के ही ना करते हैं। बाबा आदम के जमाने में रहते हैं, अब बबलू जी को ये सब पे विश्वास नहीं है तो ना सही, बिना कुंडली के ही कर देते हैं पिंकी और बबलू का ब्याह। भाभी जी आप तो हमारा स्थिति समझ सकती हैं ना, हम लड़की के माँ बाप हम ये सब कैसे कर सकते हैं। अरे भाभी जी, आप बबलू जी को समझाइए ना। आपका चिंता हम अच्छी तरह समझते हैं, हम बबलू से बात करेंगे ना। हमको आज्ञा दीजिए। गजब, अभी कुंडली का नया नाटक शुरू हो गया। अरे क्या फर्क पड़ता है कुंडली मुंडली से? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, वो बेटी के माँ बाप है, उनको फर्क पड़ता है। हमको आप इस पचड़े में मत डालिए, अब कैसे भी करके मामला को निपटाइए, बस जल्द से जल्द पिंकी और बबलू का शादी हो जाना चाहिए बस। बात को समझते नहीं। परेशान काहे हो रही? तुम्हारे बाबूजी कभी कभी बात को समझते नहीं, बिना कुंडली मिलाई ये शादी कैसे कर सकते? पिंकी के कुंडली में कौनो दोष हुआ तो? हाँ माँ, ये बात तो है, लेकिन माँ आपको हमरे होते हुए परेशान होने का जरूरत नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे, हम कौनो जुगाड़ करके
भैया और पिंकी का कुंडली पंडित जी को दिखा देंगे। इससे भैया को कानो कान खबर भी नहीं होगा और आपका बात भी रह जाएगा। अगर ऐसा बात है तो ये कुंडली दिखा दो बेटा, ये हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। जी, हम आपकी दुकान का इतना नाम सुने और आप सारे पुराने डिजाइन्स लेकर आए हैं, कुछ अच्छा दिखाइए ना, जैसे फिल्मों में हीरोइनें पहनती हैं। राजू, वो वाला नेकलेस दिखाना। मैडम जी, ये नेकलेस देखिए जरा। ऐसा अनमोल नेकलेस पूरे भागलपुर में किसी दूसरे के पास नहीं मिल सकता। हाँ, ये नेकलेस खास आपके लिए लेकर आए हैं हम। हाँ, अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम आपका बात मान लेते हैं। इसको पैक कर दीजिए और जो बिल है ना। कहाँ बात करती हो मैडम जी, हमारी दुकान आपका ही दुकान ही तो है। अरे राजू, ये सामान पैक करो। सच में शादी वाले दिन इसे पहन कर ना हम एकदम राजकुमारी लगेंगे। अब तो ये शादी होकर रहेगा। ये शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इन दोनों के कुंडली का कोनो मेल ही नहीं है। अगर ये शादी हो गया तो ये समझ लो सर्वनाश निश्चित है। कृष्णा, हम सोच रहे हैं कि हम भी अपना कुंडली पंडित को दिखाई दे। का है? वो का है ना, हमको जानना है कि वो कौन सा ग्रह नक्षत्र है जिसकी वजह से हम साथ नहीं रह पा रहे। हमको तुमसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता। हमको भी आपसे दूर रहकर नहीं अच्छा लगता। कृष्णा, हम ही कुंडली मुंडली में विश्वास करें ना करें, लेकिन माँ जरूर करती है। और अब जब बबलू भैया और पिंकी का कुंडली मेल नहीं खाया है तो माँ इस शादी के लिए मना ही करेगी और बबलू भैया उनका बात नहीं डाल पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ जाओ, लेकिन आईएएस का तैयारी अच्छे से करना। कृष्णा जी। स्टैचू का? अरे हम बोल रहे हैं ना स्टैचू। कृष्णा, हम अच्छा अब हम चलते हैं। ओवर।
अवसर देते।